सिर्फ और सिर्फ उनको राज गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। तो मंत्री जी, क्या लगता है आपको कि सीएम नीतीश किसी के पैर पे गिर गिरा सकते हैं? इतिहास है, नीतीश कुमार जी तो एकदम जहां है वहां पर खड़े हैं। कोई लोग आते हैं, कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि वो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं। हर पार्टी के नेता इधर उधर संपर्क में रहता है, लेकिन आपको देखना ये है कि कैसे नेता है जो इधर उधर के संपर्क में है। हम लोग भी संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब से हम लोग राजनीति जीवन में आए हैं तब से वही हैं जहाँ रहना चाहिए, जहाँ जनता का जनादेश है, जनता का जो हुक्म है वही रहना चाहिए। इधर उधर की बात नेताओं को नहीं सोचना चाहिए। क्या लैंड सर्वे पे रोक लग सकती है? राजस्व मंत्री से पूछ लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी और प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे, हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और इसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। जब यही सवाल अभी अभी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से किया गया कि तेजस्वी यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए साफ साफ कह दिया है कि सत्ता जब से गया है तब से वो लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला ना किया हो, लेकिन बिहार की जनता है वो सब कुछ जानती है। आगे इसको लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है, और उन्होंने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता का भी अटूट समर्थन, अटूट प्यार, अटूट मोहब्बत उनके प्रति है। और जब तक नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है और आने वाले 2025 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी, और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राज गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती। मंत्री जी क्या लगता है आपको कि सीएम नीतीश किसी के पैर पे गिर गिरा सकते हैं? इतिहास है, नीतीश कुमार जी तो एकदम जहां है वहां पर खड़े हैं। कोई लोग आते हैं, कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि वो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी जो है विदेश दौरे पर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। नहीं, लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी की कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें, और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है। डॉक्टर को जो है अल्टीमेटम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बावजूद डॉक्टर जो है धरना पे डटे हुए हैं, मिलने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ इलाज की समस्या बहुत बड़ा आ रही है। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने
एक और बड़ा सरल सवाल किया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण जो है हम खत्म कर देंगे। ये बात कहाँ से आप बोल रहे हैं? वो तो आरक्षण की बात करने वाले लोगों में से है, वो तो जाति आधारित गणना कराने वाले लोगों में से है। तो जो लोग दो तरह की बात बोलते हैं उनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर सचमुच आपके द्वारा जो बात बताई जा रही है और इस तरह की बात बोल रहे हैं तो देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। फिर से बोलिए। ए भाई, आरजेडी के बड़े नेता आरजेडी और बीजेपी के संपर्क में हैं, आने वाले समय में क्या होता है बड़ी चीज हो सकती है। हर पार्टी के नेता इधर उधर संपर्क में रहता है, लेकिन आपको देखना ये है कि कैसे नेता है जो इधर उधर के संपर्क में है। हम लोग भी संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब से हम लोग राजनीति जीवन में आए तब से वही हैं जहाँ रहना चाहिए, जहाँ जनता का जनादेश है, जनता का जो हुक्म है वही रहना चाहिए। इधर उधर की बात नेताओं को नहीं सोचना चाहिए। मंत्री जी, क्या लैंड सर्वे पर रोक लग सकती है? राजस्व मंत्री से पूछ लीजिएगा। ठीक है बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में उन्होंने लगातार विकास किया और जनता जो है वो सब जानती है, किसी के बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद यादव खुद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाए थे, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता सबका जवाब देगी और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। क्या कुछ करते मंत्री श्रवण कुमार, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंटों के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।